नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। सूबे की खादी ने अपने राजनीति चमकाने के लिए उस शहर को ही मनहूस बना दिया जो यूपी को सबसे ज़्यादा कमा कर देता है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए सूबे के मुखिया ही शहर से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी थी, इसलिए शहर को आना उन्होंने गवारा नहीं समझा। लेकिन साल 2017 में जब निज़ाम बदला तो इस शहर की मानो किस्मत बदल गई, और फिर तो जैसे शहर और सूबे के मुखिया के बीच याराना सा हो गया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे नोएडा की। कहा जाता है इस शहर में जो भी मुख्यमंत्री आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। इस अंधविश्वास को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तो अभी भी अपने सीने में दबाए रखा है। अब बात करते हैं सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। भगवा धारण करने वाले योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही मानो नोएडा के माथे पर लगा यह कलंक हटाने की कसम सी खा ली हो। शायद इसीलिए वह एक बार नहीं, तीन बार नहीं, पिछले छह महीने में पांच बार नोएडा का दौरा कर चुके हैं, जो उनकी मॉडर्न सोच को दिखाता है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सीएम पांच बार नोएडा आया हो। इस मामले में योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती से भी आगे निकल गए हैं। यही नहीं, नोएडा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पिछले चार साल में चार बार मेजबानी का अवसर मिल चुका है। सीएम योगी पहली बार 23 सितंबर 2017 को मेट्रो लाइन के उद्घाटन से पहले जायजा लेने आए, तो दूसरी बार 25 दिसंबर को पीएम मोदी के साथ उद्घाटन में भी मौजूद थे। तीसरी बार जुलाई में योगी नोएडा आए और अधिकारियों के साथ बैठक की। फिर 8 जुलाई को पीएम के कार्यक्रम का जायजा लेने आए, तो वहीं पांचवीं बार 9 जुलाई को सैमसंग कंपनी के उद्घाटन में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। वहीं इस वहम के चक्कर में कुर्सी जाने की बात करें तो इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती चार बार नोएडा आई, लेकिन हर बार उन्हें सत्ता से विदा होना पड़ा। 1994 में मुलायम आए तो 6 महीने बाद वह भी सत्ता से चले गए। पूर्व सीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी को भी नोएडा आने के बाद सत्ता गंवानी पड़ी। वहीं अखिलेश यादव ने दोबारा सत्ता मिलने पर नोएडा आने का वादा किया था, लेकिन जिस कुर्सी के लिए वह नोएडा नहीं आए उसी कुर्सी ने उन्हें साल 2017 में बेदखल कर दिया।